दोस्तों कोरोना के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट अपना एडमिशन ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों के अंदर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको यूजीसी ने फेक कॉलेज डिक्लेयर किया है। अगर आप वहां से कोई भी डिग्री करते हैं देन डेफिनेटली आपकी डिग्री का कोई भी वैलिडेशन प्रूफ नहीं होगा, आपकी डिग्री बेकार होगी, आपका पैसा भी बेकार होगा, आपकी डिग्री भी बेकार होगी, उसका कहीं भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के कुछ ऐसे कॉलेजेस जहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं तो वो आपके लिए फेक डिग्री होगी, उसका कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ में एडिशन नहीं हो पाएगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेज आपका एडमिशन ऑनलाइन ही कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेजों के अंदर अपना एप्लीकेशन चार्जेस भी पे कर देते हैं, उसके बाद अगर उनको पता चलता है कि ये कॉलेज फेक है उनके पैसे भी पता लग जाते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों आज अपन बताने वाले हैं आपको दिल्ली के कुछ फेक कॉलेजेस जो कि फुली तरह से फेक हैं 2022 की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। हालांकि हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर ये कॉलेज अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले या फिर यूजीसी को रिपोर्ट पब्लिश करके अपने आप को रजिस्टर करवा के हो सकता है आने वाले भविष्य के अंदर ये अपने आप को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। हालांकि 2022 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली के अंदर फेक कॉलेजेस माने जाते हैं। फर्स्ट कॉलेज की अगर अपन बात करें कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दिल्ली जो कि एक फेक कॉलेज माना गया है 2022 के रिकॉर्डिंग यूजीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक फेक कॉलेज है। इसकी डिग्री की कोई वैलिडिटी नहीं है और ये फुली तरह से फेक है, आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप इसका नाम फिर से नोट कर सकते हैं कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड जो कि नाम एकदम फेक दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली। हालांकि अमेरिका का कॉलेज दिल्ली में क्या कर रहा है ये तो मुझे पहले से ही फेक लग रहा था जो कि बिल्कुल फेक है। उसके बाद आता है वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये क्या नाम रखा है इसने। उसके बाद आता है एडीआर सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी जो कि एडीआर हाउस गोपाल टावर 25 राजेंद्रा न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है जो कि फेक कॉलेज माना गया है 2022 के रिकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली जो कि फेक माना गया। उसके बाद आता है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि बेरोजगारों को इलाज करती है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार देती है, वाव जो कि एक फेक कॉलेज है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो कि स्पिरिचुअल स्टडी करवाता है जो कि कहाँ पे है, रोहिणी के अंदर है। तो ये जो सातों कॉलेज मैंने आपको बताए ये बिल्कुल फेक है जो कि दिल्ली के अंदर है। अगर आपके पास इनसे एडमिशन के लिए कॉल आता है तो आप उनको ठीक है भगा सकते हो वापस। थैंक यू सो मच गाइस, आपको कैसा लगता है, अगर आप इनमें पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली आप इनको छोड़ सकते हैं। आपके लिए अगर बेस्ट कॉलेज आप अगर चूज करें देन डेफिनेटली आप कॉलेज जानकार से संपर्क कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो है बेस्ट कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी टीम की तरफ से, बेस्ट कॉलेजेस बेस्ट कोर्सेस। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं, जरूर से विजिट करें collegejankar.com 8209441638। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।